दोस्तों हम आ चुके हैं परिसर के बिल्कुल अंदर। अब यहाँ कैमरा अलाउ नहीं होगा तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम बाबा के। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों के मैंने दर्शन कराए श्री खाटू श्याम बाबा के। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ सिर्फ खाटू श्याम बाबा का। जो मंदिर है ये बगल में ही है, उसके जस्ट बगल में 10 कदम की दूरी पे, मतलब मंदिर के मार्ग पे ही बिल्कुल बगल में ही एक ऐसी धर्मशाला लेके आया हूँ। तो धर्मशाला कम 5-स्टार होटल है दोस्तों। मैं इसमें खुद रुका हूँ और अंदर जाके पूरा मैंने मुआयना करा, सब देखा, मैं खुद रुका। और यहाँ पे खाने से लेकर डिनर तक की, चाय की, हर चीज़ की फैसिलिटी भी है, उसकी टाइमिंग भी है, कब आपको टोकन लेना, कब आपको खाना मिलेगा। प्लस आपको कम बजट में मात्र 1200 रुपये से यहाँ पे 2 लोगों के लिए रूम मिलता है फैमिली को। और वो ऐसा रूम आपको होगा जो मेरे ख्याल से अब तक की जो जितनी भी मैंने धर्मशाला देखी है ना, अगर मैं खाटू श्याम की भी बात करूँ यहाँ की भी, तो उन सब धर्मशालाओं में ये वात्सल्य भवन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसे धर्मशाला तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होटल है, 3-4 स्टार से भी बेटर होटल है। फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और लोकेशन देखो तो सामने से लोग जो है भक्त निकल जा रहे हैं, सामने बगल में मंदिर है और बगल में ही वात्सल्य भवन धर्मशाला। तो वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को शेयर जितना मर्जी करना। और आप जब आएँ तो वात्सल्य भवन में ज़रूर रुकना। अगर सैटरडे संडे भी आते हैं तो थोड़ा रश होता है, बट अगर आपको वीकडे ऑफ आते हैं, सैटरडे संडे नहीं आते, तो आपको ज़रूर रूम मिल जाएगा। वैसे भी मिल जाएगा, जैसे आज संडे है तो मेरे को तो मिल गया, तो इजिली मिल जाएगा, बट फैमिली होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये वात्सल्य भवन जो है ये बिल्कुल मंदिर के मार्ग पे ही, ये देखिए सामने खाटू श्याम बाबा का, ये देखिए सामने मंदिर है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहीं से भीड़ लग गई है, ये सामने गेट है और ये है वात्सल्य भवन। मैं इसकी बात करता हूँ, 5 मंजिल की बिल्डिंग है और उसमें रूम दोस्तों एकदम लग्जरी रूम है, वो भी मात्र 1200 रुपये से स्टार्ट है। और अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो 1500 रुपये और 1800 तक जाता है। तो बहुत ही बड़े बड़े स्पेसियस रूम है वात्सल्य भवन के। ये है मंदिर, ये मंदिर और ये 10 कदम की दूरी पर है। तो दोस्तों धर्मशाला में आपको मिल जाएगी लिफ्ट की सुविधा, जो कि 4 से 5 मंजिल तक है। और हम चले तो कॉरिडोर है, बहुत ही ज़्यादा कमरे हैं, लोग ज़्यादा थे, बहुत सारे भक्त थे, तो इक्का दुक्का ही कमरों की मैं वीडियो बना पाया। पर बहुत ही अच्छी लग्जरी धर्मशाला इसे मैं कहूँगा, बहुत ही बड़े एंड होटल से भी अच्छे जो रूम है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी धर्मशाला है, 70 से 80 कमरे हैं यहाँ पे। चलिए अंदर चल के रूम दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा रूम है। ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए और काफ़ी स्पेसियस है। इसका बाथरूम मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आप फैन हो जाएंगे, क्योंकि 5-स्टार फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है और खाना तो यहाँ मिलता है। ये देखिए वॉशरूम देखिए कितना स्पेसियस है, पूरा कमरे जैसा वॉशरूम है, बहुत ही सारी फैसिलिटीज़ के साथ। रूम देखिए, रूम देख के आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी गंदगी, बिल्कुल नहीं, मतलब साफ सफाई और एसी रूम। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा, मैं 4th मंजिल पे खड़ा हूँ, ये भक्त जा रहे, यही गली है बाबा श्याम का, सामने ही मंदिर है। और ये देखिए सभी भक्त निकलते जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉरिडोर है, फैसिलिटी के मामले में अच्छा है। ये बाहर का नज़ारा है, बाहर दुकानें हैं और ये देखिए पूरी 5 मंजिल की बिल्डिंग वात्सल्य भवन। तो आइए दोस्तों आप बात कर लेते हैं भोजन की। वात्सल्य भवन में भोजन का प्रबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ, आपको कूपन लेना होगा सुबह 10 से 12 और आपको दोपहर की अगर मैं बात करूँ तो आप 3 बजे से 4 बजे तक ले सकते हैं। प्लस अगर आपको रात का डिनर करना है तो आप शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कूपन ले सकते हैं। 100 रुपये का एक कूपन पड़ता है, पर उसमें दोस्तों अनलिमिटेड खाना होता है। मैं आपको थाली दिखा देता हूँ जो मैंने कूपन लिया, खाना भी बहुत ही अच्छा था, भर पेट जितना आप खा सकें, 100 रुपये में आपको कोई रोक टोक नहीं होगी जितना आप लेना चाहें। प्रबंध बहुत अच्छा था, जगह बहुत अच्छी थी और खाटू श्याम मंदिर के जस्ट बगल में आपको 10 कदम चलना है और आप खाना पीना खा के रह सकते हैं और बाबा के दर्शन जब चाहें जब कर सकते हैं। देखिए मैं अपना आराम से आया, रुका, खाना वाना खा के आराम से मैंने 4 से 5 बार दर्शन किए और बगल में ही मंदिर है, तो इससे ज़्यादा अच्छी धर्मशाला नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम।